भाइयों बहनों, 45,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया जा चुका है। 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले कहाँ जाता था? यही पैसा इंद्र वाले मित्र के घर जाता था। कहाँ जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। और इसलिए हमने तय किया है, अब एक हाथ में लटको ऐसे ना दौड़ लगानी चाहिए। जय बाबा भगदड़ी में मत जाते हैं, सारी गलती करने नहीं चाहिए। बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर का लेबर भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। ये दोनों जब साथ चलेंगे तो प्रदेश का एक समावेशी विकास होगा। और 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार यही कार्य करा रही है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे भी अपील करने के लिए आया हूं। हरशंकर राव हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं, पार्टी उनकी सेवाओं का सम्मान करेगी आने वाले समय में भी। और आज इस मंच पर आए हैं श्रीमती अंजना माहौर जी, हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है। प्रदेश मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी संगठन में कार्य कर रही थी और उसको इस समय उन्हें इसीलिए दायित्व दिया गया कि वो एक बार हाथरस में आकर के यहाँ की जनता का सम्मान के लिए वे कार्य करेंगी। और हरशंकर माहौर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। मंच पर एक साथ दोनों लोग हैं, मैं आप सबसे अपील करूंगा, हाथरस की हींग की महक को कमजोर मत पड़ने देना। होली भी आने वाली है, गुलाल की महक लोगों को ठंड से तो बचाती है लेकिन फालतू गर्मी को भी निकालती है। मालूम है ना आपको? मालूम है ना इस समय एक बुलडोजर एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 10 मार्च के बाद अपने चल रही है। 10 मार्च के बाद रेलवे वाले धमकीबाज के रूप में काम कर रहे हैं, उनको हमने कह दिया है जिनमें सपने भले देख लो अब। लेकिन 10 मार्च के बाद जब फिर से प्रदेश सरकार की मुहिम चलेगी, डबल इंजन की सरकार अपनी दुगनी रफ्तार से कार्य करते हुए प्रारंभ करेगी, अपना काम प्रारंभ करेगी, उस समय के लिए अपना ठोर ठिकाना भी से ढूंढ लो भाई। जोरदार तैयारी करिए 10 मार्च के लिए। और भाइयों बहनों, 10 मार्च की तैयारी के पहले हाथरस में श्रीमती अंजना माहौर को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हाथरस की तीनों सीटों पर भाजपा को जिताएंगे।